कस्तूरी सुनो तो, कस्तूरी कस्तूरी तुम तो जानती हो ना मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। तुम्हें सीखना है तो सीखो, पर उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मेरे स्वामी ने तो वर्षों से मुझे देखा तक नहीं। मुझे माँ के आशीर्वाद की सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम हमारे पति को नहीं जानती? जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ। मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यह कस्तूरी है, अंगराजकरण की पहली पत्नी। कर्ण तो कस्तूरी से वर्षों से नहीं मिला है ना? जब परशुराम जी के आश्रम धनुर्विद्या सीखने गया था तभी मिला था, उसके बाद तो मिला ही नहीं। अरे कस्तूरी सुनो तो, कस्तूरी, अरे कस्तूरी सुनो ना, अरे सुनो तो कस्तूरी। पता है आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हम परशुराम जी के आश्रम जाएंगे धनुर्विद्या सीखने। हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। अच्छा सुनो तो, देखो अब हम अपने बाण से तुम्हारे लिए सबसे ऊंचे वृक्ष का फल कैसे लाते हैं। ये लो। हमें नहीं चाहिए। कस्तूरी सुनो ना, क्या चाहिए? हमें कुछ देना ही चाहते हो तो अपना ये बांध दो जिन पर तुम्हें इतना मान है, और ये धनुष दे दो जिसके बिना तुम एक पल नहीं रह सकते। तो ले लो। अरे पावली हो क्या, ये क्या कर रही हो? एक दिन यही धनुष मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएगा। संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर की हमें क्या जरूरत है? हमें एक सखा चाहिए जिसके साथ हम खेल सके। तुम अपने इस धनुष के आगे कभी हमारा ध्यान नहीं देते, हर समय अभ्यास अभ्यास अभ्यास, मत जाओ कहीं, यहीं रह जाओ। तुम अपने बाबा की तरह रथ क्यों नहीं चलाना सीख सकते? इस लकड़ी में क्या रखा है भला? महाराज, इनका उपचार औषधियों के धुएं से करना होगा, कृपया आप सभी कक्ष के बाहर जाएं। उर्वी कुछ तो बोलो। हे
बोलना नहीं है तो कम से कम मैं माँ के हृदय पर सर रख कर रो ही लूं। उर्वी को गहरा मानसिक आघात लगा है, इसे रुलाना आवश्यक है, तभी इसके भीतर की पीड़ा बाहर निकल पाएगी। आज तुम्हें रुलाने के लिए तुम्हारे हृदय पर वज्रपात भी मुझे ही करना होगा। उर्वी, उर्वी, कस्तूरी और कर्ण का विवाह बालपन में ही हो गया था। इतने इतने से थे, गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलते थे, बहुत घनिष्ठता थी दोनों में। तनिक देखो तो इसे, सूत पुत्र होके युद्ध कौशल सीखने लगा है। अश्व की बागदौड़ खींचने के स्थान पर अब ते प्रत्यंचा खींचेगा। देखो तो सबका रंग कैसा चितकबरी सा हो गया है, जैसे कोई मार्ग का कुत्ता मट्टी में लौट कर आया हो। मेरे कर्ण से ठिठोली की ना वापस तो मेरा नाम स्मरण कर लेना। कस्तूरी, एक तुम ही तो हो जो धनुर्विद्या के प्रति मेरा लगाव समझती हो। लगाव नहीं, मूर्खता। कैसी बावली हो तुम, अभी अभी तो उन बालकों से लड़ गई थी और अभी इसे मूर्खता कहती है। हाँ तो क्या, जो कहूँ मैं कहूँ, और कोई तुमसे क्यों कुछ कहे। पहले तुम्हारी सखी थी पर अब तो तुम्हारी वधू हूँ, दोहरा संबंध है हमारा। देखो पास लिया, चक्रव्यूह भले तोड़ दो पर हमारा बंधन नहीं तोड़ पाओगे। अब कस्तूरी वापस आ गई है तो ऐसा लगता है कि दोनों का बंधन। रोल और भी मन में पीड़ा दबाए रखते हैं तो जीवन भर का चोटती है। हमें लगता था कर्ण को खुद से भी ज्यादा जानते, आज पता चला हम तो कर्ण को जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं। और भी इसमें कर्ण का कोई दोष नहीं, विवाह तो बचपन में हुआ था, वो बालक नहीं था। आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर अब कर्ण देंगे।